तो दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं और यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाते हैं और यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करते हैं, तो दोस्तों आपको एक बात तो जान लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ कोई भी वीडियो अगर अपलोड की है अपने चैनल पर, तो आपको आज नहीं तो कल कोई ना कोई स्ट्राइक ज़रूर आ जाएगी, जिससे कि आपके चैनल पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, कल मेरे साथ ऐसा हुआ, कल मेरे को यूट्यूब की तरफ से एक नोटिस आया है एज रजिस्ट्रेशन का। ये एज रजिस्ट्रेशन क्या है, मैं अभी आपको बताता हूँ। दोस्तों, मान लीजिए कि अगर आपने अपने वीडियोज़ में कोई भी सेक्सुअल कंटेंट या फिर अडल्ट कंटेंट आपने यूज़ किया है, तो दोस्तों आपको ये एज रजिस्ट्रेशन का नोटिस आ सकता है और आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकती है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके वीडियो में कोई भी सेक्सुअल कंटेंट नहीं है, तो दोस्तों आप YouTube को अपील कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि YouTube की तरफ से भी गलती हो जाती है, तो दोस्तों आप YouTube को अपील कर सकते हैं कि आपकी वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपको एकदम श्योर होना पड़ेगा कि आपके वीडियोज़ में ऐसा कुछ भी नहीं है, तभी आप ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, कल मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि मेरे एक वीडियो में स्ट्राइक आ गई और मुझे एज रजिस्ट्रेशन के लिए बोला गया कि आपकी ये वीडियो सिर्फ 18 प्लस लोग ही देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरे उस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए मैं अपील करके आपको दिखाऊंगा और आपकी स्ट्राइक कैसे हटती है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, बने रहे इस वीडियो में और आपको अपील में क्या लिखना है ये भी मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन और आप देख रहे हैं फन एंटरटेक चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना ईमेल ओपन कर लेना है। जो भी आपको यूट्यूब की तरफ से मेल आया है वह आप ओपन कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा यूट्यूब की तरफ से जो मेल आया है हमें, ये देखिए, एज रजिस्टर्ड योर कॉन्टेंट, यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, ये देखिए मेरा क्राइम मास्टर प्रो मोड APK जो फ्री में बिना वाटरमार्क का डाउनलोड करने के लिए मैंने जो वीडियो बनाई थी, उस पर ये नोटिस आया है। दोस्तों, यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो अभी आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए चले जाना है और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है अपील हेयर। अपील हेयर के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, अपील हेयर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक खाली बॉक्स सा दिख रहा है, यहाँ पर आपको जो है अपील करना है। तो मैंने पहले से ही लिख रखा है और मैंने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। दोस्तों, ये जो मैंने लिखा है यही मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिख रखा है, आप वहाँ से कॉपी करके अपील के ऑप्शन पे यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। दोस्तों, हमने यहाँ पर सब कुछ साफ साफ लिख रखा है, हमारे वीडियो में कोई भी ऐसा कॉन्टेंट नहीं है जो कि यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर रिक्वेस्ट की है यूट्यूब को कि मेरा वीडियो जो है फिर से रिव्यू करे। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों, 1 से 2 दिन में आपका काम हो जाएगा, आपके पास ईमेल आ जाएगा। अगर आपका वीडियो जो है सही है और YouTube का रिव्यू प्रोसेस सही हो जाता है, तो दोस्तों आपका जो वीडियो का स्ट्राइक है वो हट जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।